एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी। तो यहाँ पर एजी एक लाइन है और उस पर जो है हमसे पूछा गया है कि जो डी वाला पॉइंट है वो उसका मिड पॉइंट है, ये हमें वेरीफाई कर जो है बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी पॉइंट है कहाँ पर। ये रहा है हमारा डी पॉइंट। और एजी लाइन कहाँ से कहाँ तक है, एजी लाइन यहाँ से यहाँ तक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, आप देखो ए बी सी तीन पॉइंट हो गए, ये आपको याद रखना है। फिर आता है डी, फिर इधर ई एफ जी, ये भी तीन पॉइंट हो गए। इसका मतलब यहाँ पर तीन, यहाँ पर है तीन, यहाँ पर है, और डी वाला जो पॉइंट है वो इनके बीचों बीच जो है लाई कर रहा है। एक बार और समझते हैं, ए से डी तक का भी जो डिस्टेंस है वो उतना ही है और डी से जी का डिस्टेंस जो है वो भी उतना ही है। तो इसका मतलब, इसका आंसर जो है होगा यस, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये हमने लिख दिया। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बिकॉज यहां पर ए डी इक्वल्स डी जी है, यानी कि 3 यूनिट्स, और यही है इसका आंसर। ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।